This program is brought to you by IndianFankaar.com. जल्द तुम्हारे जख्मों को हम फिर से चंगा कर देंगे, दिल्ली से रावलपिंडी तक गंगा गंगा कर देंगे। जल्द तुम्हारे जख्मों को हम फिर से चंगा कर देंगे, दिल्ली से रावलपिंडी तक गंगा गंगा कर देंगे। हम टूट गए हैं टुकड़ों में, ये दुनिया की ना समझी है। हम टूट गए हैं टुकड़ों में, ये दुनिया की ना समझी है। जिस दिन अपनी पर आ गए सारा विश्व तिरंगा कर देंगे। जिस दिन अपनी पर आ गए सारा विश्व तिरंगा कर देंगे। आइए सरहदों से फिर मोहब्बत की ओर चलते हैं। चार छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म एक ही जीवन की। अमावस की काली रातों में दिल कुछ भरसा जाता है। मावस की काली रातों में दिल कुछ भरसा जाता है। जाने हर रात कलेजे में एक दर्द ठहर सा जाता है। आवाजें सब चुप रहती हैं, सन्नाटे चिल्लाते हैं। आवाजें सब चुप रहती हैं, सन्नाटे चिल्लाते हैं। रोशनदानों के रास्ते अंदर स्याह अंधेरे आते हैं। आज के दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, ऐसे समय में आप हम सबको सुनने आए हैं। अपने लिए ही ताली बजाते हैं। मैं कैसा बोल रहा हूं। आवाजें सब चुप रहती हैं, सन्नाटे चिल्लाते हैं। रोशनदानों के रास्ते अंदर स्याह अंधेरे आते हैं। तन्हाई का हर लम्हा सदियों सा लंबा लगता है। जिंदा हूं पर जीने का एहसास अचंभा लगता है। ऐसे में फिर यादों में वो पगली लड़की आ जाती है, और उस पगली लड़की के बिन फिर वीरानी छा जाती है। ये पहली शॉर्ट फिल्म थी। दूसरी, अब तो जाने क्या होता है हर आहट से डरते हैं। अब तो जाने क्या होता है हर आहट से डरते हैं। खिड़की दरवाजे छत बिस्तर उपहास हमारा करते हैं। अब तो जाने क्या होता है हर आहट से डरते हैं। खिड़की दरवाजे छत बिस्तर उपहास हमारा करते हैं। लिखने बैठूं तो कविता के शब्द खत्म हो जाते हैं। हालात देखिए, लिखने बैठूं तो कविता के शब्द खत्म हो जाते हैं। कलम चलाने से पहले ही कागज नम हो जाते हैं। घर का कोई काम नहीं जचता। हर मोहब्बत में लोगों के साथ ही होता है। पहली मोहब्बत में घर का कोई काम नहीं जचता, नकारों पर सुहाता है। और समय काटने को पड़ोस का लल्ला पढ़ने आता है। अब ऐसे ही दिन उगता है और ऐसे ही ढल जाता है। जब शाम कभी तन्हाई में ये आंखें नम हो जाती हैं, ऐसे में फिर यादों में वो पगली लड़की आ जाती है, और उस पगली लड़की के बिन फिर वीरानी छा जाती है। तीसरी शॉर्ट फिल्म, अब तो अपनी हर रचना की शुरुआत उसी से करता हूं। शब्दों छंदों के चित्रों में सब रंग उसी के भरता हूं। अब तो अपनी हर रचना की शुरुआत उसी से करता हूं। शब्दों छंदों के चित्रों में सब रंग उसी के भरता हूं। अब तो बाबा भाभी दीदी सब बोलन से कतराते हैं। अब तो हमसे बिन पूछे ही रिश्ते ठुकराए जाते हैं। अब तो हम घर की चौखट के बाहर से भी कतराते हैं। अब तो भैया भी शहर छोड़कर गांव बनाने आते हैं। जब दिल में जीवन जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, ऐसे में फिर यादों में वो पगली लड़की आ जाती है, और उस पगली लड़की के बिन फिर वीरानी छा जाती है। अंतिम बंद है, हालांकि अब उसका मेरा साथ असंभव लगता है, लेकिन उसके ना होने का एहसास भी दिल में लगता है। वो पगली लड़की अब भी मेरी गजलों में बसती है। उसकी सूरत, उसकी सीरत अब भी इस दिल में बसती है।
अब भी उसकी बांधी हुई ताबीज गले में लटकी है। अब भी उसकी बांधी हुई ताबीज गले में लटकी है। अब भी उसकी सांसों से मेरी सांसें अटकी है। अब भी उसकी सांसों से मेरी सांसें अटकी है। अब भी जाने क्यों अपना हर शब्द अनाड़ी लगता है। अब भी जाने क्यों अपना हर शब्द अनाड़ी लगता है। अब भी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। धन्यवाद।